talking about fitness, जब fitness का नाम आता है, Shilpa Shetty हमारे सामने आ जाती हैं, because look at her, ladies and gentlemen, she's so fit, so gorgeous. हम जानना चाहते हैं आपके fitness का राज, कुछ diet tips, secrets आप share कर दीजिए. अभी राज राज नहीं रहा. जितने भी platforms हैं मेरे, मैंने जितने भी राज थे, उनका मैंने खुलासा कर दिया है. What's the use of all that I have learned, all my experience? अगर मैं खुद अपने पास ही रखूँ तो उसका फ़ायदा क्या होगा? तो I decided that through my platforms, through my app, the Shilpa Shetty app, I wanted people to know कि बहुत आसान है अच्छी ज़िंदगी जीना, to get the benefits of qualitative living. And हम जी रहे हैं लेकिन जागरूक होके नहीं जी रहे हैं. To live in the present moment is very very important. हाँ, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपकी एज क्या है, हाँ, 35, that is your physical age, that's your physical age. हाँ, mental age वो बोल रहे हैं काफी. Some people act their shoe size, not their age. है ना? But that's the problem. We know our physical age. Do you know how many years before your soul has been living? So none of us are really connected with our souls, right? None of us are aligned with our souls. So there is the mind, the body, and the soul. That is a very, very important aspect. अगर मैं उसके बारे में बात करूँ, वो जर्नी मेरी शुरू हुई इस कारण से कि हम सिर्फ अपने फिजिकल एज को लेकर उसको अहमियत देते हैं. हम तो वो उस अवेयरनेस में है ही नहीं कि सोल का भी हमको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम बस अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं इस लाइफ में. बट जो सोल जिस काम की वजह से आया है उसे रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है. कुछ लोग सक्सेस पा लेते हैं बिकॉज दे रिकग्नाइज व्हाई दे हैव बीन बॉर्न. वो पर्पस जो मिल जाता है फिर जीने का मज़ा कुछ और होता है. तो आई एम स्टिल इन द सर्च ऑफ व्हाट दैट पर्पस कुड बी. हाँ, कहीं ना कहीं मैंने रियलाइज़ किया है कि शायद मैं एक्टर बनी, मैं फेमस हुई क्योंकि मुझे हेल्थ इंडस्ट्री में कुछ करना है. मुझे ऐसे लगता है कि ये कर्म जो है थोड़ा सा मुझे और आगे लेकर जाएगा और मेरे अच्छे कर्मों के खाते में थोड़ा सा मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा. बट आई रियली फील दैट टू लिव इन अवेयरनेस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड टू टेक केयर ऑफ योर सोल इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. तो उस अलाइनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए योग के बारे में जानकारी होना उसका, आई फील इन आर लाइव्स इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो आई फेल्ट दैट थ्रू माय मीडियम्स, थ्रू माय सोशल मीडिया मीडियम्स, मैं और क्या है योगा को लेके ना, इट बिकेम लाइक सिर्फ बूढ़े लोग योगा करते हैं. इट वॉज़न्ट कूल 10-15 साल पहले जब मैंने शुरुआत की, कुछ 18 साल पहले, तब कूल नहीं होता था. तो हाँ, मेरे दादाजी योगा करते हैं. तो आई फेल्ट, आई मीन यू नो, योगा इज जस्ट नॉट एन एक्सरसाइज, सिर्फ एक व्यायाम नहीं है योगा. योगा इज अ साइंस. और जिस दिन आपको इस साइंस के बारे में पता चलेगा द डेप्थ ऑफ इट, यू विल टर्न टू इट. तो मैं चाहती थी कि मैं लोगों को बताऊँ, क्योंकि आमतौर पे ऐसे होता है कि हम एक्टर्स जो करते हैं लोग उसे फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड सेटिंग हो जाता है. तो आई फेल्ट यार, अगर कुछ फॉलो करना ही है, इंस्टेड ऑफ माय ड्रेस स्टाइल, इंस्टेड ऑफ माय हेयर स्टाइल, लोग मेरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करें. एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू प्रमोट योगा.